टेक्स्ट यानी कि जो किताबें हैं वो किताबों को लिखने वाला कोई लेखक नहीं होता है, किताबें दरअसल पढ़ने वाले के द्वारा लिखी जाती हैं। क्या बात है, मतलब आप कहोगे सर किताबें किताब लिखने वाला नहीं लिखता है तो किताबें जो है पढ़ने वाला लिखता है, कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो दरअसल हम लोग क्या होता है कि हम लोग जब भी कोई बुक्स को पढ़ते हैं या फिर मान लीजिए कोई भी पुरानी हम किसी बुक को पढ़ते हैं तो हमारे पढ़ने की दो तमीज़ें होती हैं। कौन सी दो तमीज़ें? हर व्यक्ति जो है दो तरीके से पढ़ता है। इंटरप्रिटेशन करने की उसको शब्द होता है, उसको कहते हैं हर्मेन्यूटिक्स। हर्मेन्यूटिक्स का मतलब होता है कि किसी भी बुक को इंटरप्रेट करने की तीन तरीके होते हैं, एक इंटरप्रिटेटिव मेथड, एक होता है टेक्सुअल मेथड और एक होता है कंटेक्सुअल मेथड। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी जो है आप कोई पुरानी बुक को पढ़ते हो तो उसको पढ़ने के तरीके क्या होते हैं, किस फॉल्ट को देख करके जो है आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, क्या वो बात सही थी या फर्जी बात थी, सारी बातें बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरुआत से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बुक चूँकि पुरानी, कैसे बुक पढ़ने में आप गलतियाँ क्या कर देते हो, बुक पढ़ने में गलतियाँ आप ये कर देते हो कि आपको आइडिया ही नहीं पता होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत पुरानी बुक है, मान लीजिए श्रीमद् भगवद गीता, तो उस समय का जो सर्कमस्टेंसेस था, उस समय की जो परिस्थितियाँ थीं उनको देख करके आपको बुक को पढ़ना चाहिए। यानी कि बुक जब आप पढ़ रहे हो किसी आथर की या फिर किसी भी लेखक की, तो आप ये देखिए कि उस समय उस आथर या लेखक की सर्कमस्टेंसेस, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। जैसे मैकियावेली को अगर आप पढ़ रहे हो तो मैकियावेली की कंडीशन देखिए, आप जो है अरिस्टोटल को पढ़ रहे हो अरिस्टोटल की कंडीशन को देखिए, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो एथेंस में थी। आप सुकरात को पढ़ रहे हो तो उसकी कंडीशन को देखिए। और उस समय की जो लैंग्वेज है वो कोई स्टैटिक लैंग्वेज नहीं है, स्टैटिक लैंग्वेज उस समय लैंग्वेज अंडर डेवलप्ड थी। यानी कि जो पुरानी बुकें होती हैं उनको आप जब पढ़ रहे होते हो तो लैंग्वेज भी तो अंडर डेवलप होती है। तीसरा चीज़ ये होता है कि जब कोई भी राइटर बुक को लिखता है तो उसके ऊपर दबाव भी रहता है कि कहीं कोई व्यक्ति बुरा ना मान जाए, तो वो कोडेड फॉर्म में लिखता है, उसको डिकोड करना रहता है। और वो डिकोड कौन करता है? पढ़ने वाला। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पढ़ते कुछ हैं, सुनते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, तो ये सब वहीं पर गड़बड़ होता है। दरअसल लिखने वाला जो है उसके पास लैंग्वेज की स्किल नहीं होती है, क्योंकि लैंग्वेज पता नहीं उसकी क्या लिखना चाह रहा था, उसके माइंड में क्या चल रहा था, उसके माइंड में आइडिया क्या था, उसने लिखना क्या चाहा, क्या उसकी जो ग्रामर थी वो सही थी, क्या उसने जो लिखना चाहा वो सही लिखा, ये क्या उसने जो है पॉलिटिकल दबाव में रह करके उसको कहीं कोडेड तो नहीं कर दिया, अगर कोडेड कर दिया तो उसको डिकोड कैसे करेंगे, डिकोड करेंगे तो वो सही डिकोड किया है या नहीं किया है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ते समय याद रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि राइटर्स जो होते हैं यानी कि जो लेखक होते हैं उनकी जो है डायरेक्ट लैंग्वेज नहीं होती, मैं आपको बता दूं, और वो बहुत समय पहले लिखे गए हैं, उस समय क्या कंडीशन थी, क्या सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, क्या उसके माइंड में चल रहा था, इसको भी डिटरमाइन करना बहुत आसान नहीं होता है। तो यहाँ पे दो मेथड निकल के आती हैं किसी भी बुक या किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करने की। देखिए कोई भी व्यक्ति जब किसी बुक को पढ़ता है तो वो अपने हिसाब से जो है उसकी इंटरप्रिटेशन कर देता है, यानी कि जो है उसकी जो व्याख्या है वो अपने हिसाब से कर देता है, जितनी उसकी समझ होती है, जिस प्रकार से वो बुक को समझता है, यानी कि उसमें मिर्च मसाला मिला देता है। जब मिर्च मसाला कोई व्यक्ति अपनी बुक में मिला देता है तो उसको हम कहते हैं कॉन्टेक्चुअल अप्रोच। और जब हम किसी टेक्स्ट की सेंसिटिविटी को हम मेंटेन करके चलते हैं, जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखोगे तो लिविंग एंड ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसका मतलब है कि हमारा लिविंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने आप को समय समय पर बदलता रहता है। उसकी जो अगर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट उसमें अपने जजमेंट समय समय पर लेता रहता है, यानी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो टेक्स्चुअल बेसिस पे नहीं है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जो टेक्स्ट उसमें लिखे हुए हैं, टेक्स्ट का मतलब होता है हर चीज़, आपके आसपास जिस भी चीज़ से आप पढ़ करके सीखें, चाहे वो किसी भी इंसान हो, कोई नेचुरल फिनामना हो, टेक्स्ट का मतलब किताब नहीं होता, टेक्स्ट का मतलब एवरीथिंग जिससे आप कुछ सीख रहे हो पढ़ करके या फिर देख करके, जैसे भी समझ रहे हो वो सब टेस्ट होता है। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट टेक्स्चुअल अप्रोच पे बेस्ड नहीं है, हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सेंसिटिविटी को वो जो है अपहोल्ड करता है, ऐसा आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले लिखा था उसको तो बदल चुका है, वो अपने हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ले लो और दुनिया की डॉक्ट्रिन जो है निकालता रहता है। जैसे अगर आप देखोगे 1950 के जो है ए के गोपालन केस को देख लीजिए, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जबकि आप मेनका गांधी केस में देख लीजिए या फिर जो है इसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ कर दिया गया। यानी कि जो है सुप्रीम कोर्ट भी जो है अपने निर्णय को भी, अपने जजमेंट को भी जो है चेंज कर सकता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो भारतीय संविधान का जो मूल संविधान है जिसमें जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जो शब्द लिखे हुए हैं, उनकी व्याख्या अपनी तरीके से कर सकता है। इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्चुअल अप्रोच। अब दोनों लोगों में विवाद ये रहता है कि जो है टेक्स्चुअल बात मानी जाए कि कंटेक्चुअल बात मानी जाए। तो जो टेक्स्चुअल वाले होते हैं यानी कि जो ये मानते हैं कि शब्द ही सब कुछ हैं, शब्द को ही सर्वोपरि रखना चाहिए क्योंकि इससे जो सेंसिनिटी होती है वो जो है ख़त्म होती है,
तो इसके बारे में ये तथ्य कहे जाते हैं कि यदि आप जो है टेक्सुअल अप्रोच को ही पढ़ोगे, यदि आज की समस्याओं का आकलन आप जो है पुरानी किसी बुक या किताब से करोगे, तो जो है आप इससे कोई सही नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हो। इसके पीछे कारण ये है कि जब भी कोई बुक लिखी जाती है वो उस समय की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन पे लिखी जाती है, और आप आज की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन की जो समस्याओं का हल है वो आप पुरानी चीज़ों से निकालने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आप असफल रहोगे। इसलिए आपको टेक्सुअल पे ध्यान नहीं देना चाहिए, माना कि उसकी सेंसिनिटी जो है ख़राब होती है, बट आपको जो है रीडिंग बिटवीन द लाइंस करनी चाहिए, इन डेप्थ आपको एनालिसिस आनी चाहिए। इन डेप्थ एनालिसिस का मतलब है आपकी वो समझ होनी चाहिए ताकि आप टेक्स्ट को समझ पाएँ। ये भी ना कहीं ना कहीं इंगित कर रहा है कि आपके पास कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, यानी कि आपके पास सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, तब आप समझ सकते हो किसी बुक को। हर कोई बुक को नहीं समझ सकता है, और जो जिस प्रकार से समझता है वो उसी प्रकार से जो है उसका बयान करता है। पढ़ने में कई सारी गलतियाँ हो सकती हैं, लिखने वाले से गलतियाँ हो सकती हैं, कोडेड हो सकती है, उसको डिकोड करने में गलती हो सकती है। यानी कि जो बुक होती है वो राइटर ने लिखता है, बुक कौन लिखता है? बुक लिखता है पढ़ने वाला। और जो कॉन्टेक्चुअल अप्रोच होता है उसमें क्या होता है, कॉन्टेक्चुअल अप्रोच में ये रहता है कि जो मिर्च मसाला मिला करके हम चीज़ों को बताते हैं, यानी कि हमने पढ़ा, जैसे मान लीजिए कोई कई बार कमेंट्री बहुत सारी होती हैं, जैसे कमेंट्री आती रहती हैं कि ये कमेंट्री इस व्यक्ति की है, जैसे ऋग्वेद तो एक ही है लेकिन उस पर बहुत सारी कमेंट्री आई होंगी, सामवेद एक ही है उस पर बहुत सारी कमेंट्री आई होंगी, जैसे श्रीमद् भगवद गीता तो एक ही है और आप देखते हो कमेंट्री कितनी सारी आती हैं, यथार्थ गीता ले लो, और ये जो हमारे पीछे अगर आप देखोगे ये रखी है श्रीमद् भगवद गीता, ये अगर ले लीजिए तो ये सारी जो गीता हैं ये सारी जो है अगर आप देखोगे तो सारी नकली तरीके, मतलब अगर आप देखोगे तो जो असली थी उसको जो है तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। यानी कि पढ़ने वाले ने पहले पढ़ा, अपना ज्ञान डाला, मिक्स किया, मिर्च मसाला लगाया, उसको जो है पेश कर दिया। ये होता है कॉन्टेक्चुअल अप्रोच। आज हमारा सुप्रीम कोर्ट भी जो है टेक्सुअल अप्रोच पे बेस्ड नहीं है, कॉन्टेक्चुअल अप्रोच पे बेस्ड है। जैसे सर सैयद अहमद खान ने जो है कुरान की अपने तरीके से व्याख्या की थी, ये भी जो है कॉन्टेक्चुअल अप्रोच पे बेस्ड है, यानी कि उन्होंने टेक्सुअल को प्रेफरेंस नहीं दी, उन्होंने जो है कॉन्टेक्चुअल को प्रेफरेंस दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको एक डिबेट समझ आई होगी कि टेक्सुअल सही है, कॉन्टेक्चुअल सही है। हर किसी का अपना फ़ायदा अपना नुकसान है, और मैंने दोनों की आपको पक्ष विपक्ष बताया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जल्दी वीडियो साथ है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।